क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुंबई के बांद्रा स्थित माउंट मैरी चर्च के समिट लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहकर गॉड ईशा मसीह से प्रार्थना की। ऐसा ही नजारा माहिम चर्च के समीप देखा गया। इस अवसर पर मुंबई पुलिस की व्यस्तता चौक चौबन रही। आज हम मुंबई के बांद्रा के माउंट मैरी चर्च जो कि बैंड स्टैंड पर स्थित है, हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का नज़ारा। आज जो है क्रिसमस के अवसर पर, यानी आज 24 तारीख की संध्या में क्रिसमस के अवसर पर तमाम जो प्रार्थनाकर्ता जो लोग हैं वहाँ यहाँ दिखाई दे रहे हैं काफ़ी संख्या में। हम आपको बताना चाहेंगे 21 और 22 की जो बात की जाए तो करीब 20 और 21 की बात किया जाए तो कोरोना महामारी के वजह से भीड़ यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाई थी। वहीं हम आपको आज दिखाना चाहेंगे कि करीब लाखों की तादाद में यहाँ लोग जो है प्रार्थनाकर्ता जो कि भगवान जो गॉड ईसा मसीह की प्रतिमा है, जिसे जहाँ कैंडल लेके अपने हाथों में कैंडल लेकर जो है वो उनके सामने कैंडल जो है दिखा रहे हैं। ये एक लाइन है, ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ एक प्रवेश द्वार है जहाँ से लोग जो है जाते हैं और वहीं कैंडल दिखाते हैं भगवान ईसा मसीह की प्रतिमा को। तो ये नज़ारा माउंट मैरी का है, माउंट मैरी चर्च जो कि काफ़ी प्रचलित चर्च माना जाता है बांद्रा का। बांद्रा बैंड स्टैंड पर स्थित है। हालांकि 2 साल जो बीते हैं उसमें भीड़ नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार यह नज़ारा जो है अद्भुत देखने को मिल रहा है। रात के करीब 11:30 बज चुके हैं, लेकिन 12 बजे के बाद यहां कुछ प्रोग्राम भी किया जाता है। वहीं हम आपको इस अवसर पर दिखाना चाहेंगे यह माउंट मैरी चर्च और उसके जो ठीक सामने कहा जाए तो भगवान ईसा मसीह की का प्रतिमा है, जहां लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, कैंडल जलाने आते हैं और शांति के प्रतीक जो ईसा मसीह उनके सामने जो है दुआएं करते हैं इस क्रिसमस के अवसर पर। यह भी हम बताना चाहेंगे, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई तरह के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर कहा जाए, उस तरीके की बात की जाए तो मुंबई का भी नज़ारा अपने आप में एक अद्भुत होता है, जहां ईसा मसीह की के प्रतिमा के समीप जो है लोग कैंडल जलाते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं। यह नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे और ये प्रवेश द्वार है जहां से लोग प्रवेश करते हैं और ईसा मसीह के प्रतिमा को कैंडल दिखाते हुए दूसरी तरफ से वो निकलते हैं। हालांकि जो सड़क के दूसरी तरफ कहा जाए तो वो माउंट मैरी चर्च है, जहां एक पंडाल भी लगाया गया हुआ है एक कार्यक्रम के लिए, और वहीं दुल्हन की तरह से जो चर्च जो है आज सजाया गया है क्रिसमस के अवसर पर। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जो प्रार्थनाकर्ता के रूप में कई लोग नज़र आए, वहीं आइए हम जानना चाहते हैं कैसा लग रहा है इस बार आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्रिसमस में पहली बार यहाँ पे आई हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। नहीं, कहाँ से आई हैं आप? मतलब मैं मुंबई से ही हूँ, लेकिन मैं पहली बार क्रिसमस में यहाँ आई हूँ। तो इससे पहले नहीं आई थी? नहीं आई। तो आपने देखा, इनका यह कहना है कि इससे पहले मैं नहीं आई थी। आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। वी आर सो ग्लैड टू बी हियर लाइक एट द राइट टाइम। सो यस, इट्स अ पीसफुल ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। God bless you. Merry Christmas. You arrived here first time or second time? Yes, this is my first time here. You are from? I'm from Gujarat. But I'm living here from last 5 years. 5 years. Yeah. So, what is your feeling about this occasion? It's a chaos, full. I know बहुत सारी भीड़ है, लेकिन इतनी भीड़ में भी peaceful, I guess temple के अलावा और कहीं नहीं मिलता है ऐसी vibes. So yes, it's a peaceful. भीड़ में इतनी आवाज़ में भी हमें शांति मिल रही है, इससे बड़ा क्या होगा? तो देखा आपने, इनका ये कहना है कि इस भीड़ में भी हमें शांति मिल रही है क्योंकि दुआएं करते हैं लोग। वहीं इस क्रिसमस की संध्या पर हम आपको बताना चाहेंगे, बड़ा ही प्रचलित जो सीरियल कहा जा सकता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उनकी जो हीरोइन राधिका छावरा जी हमारे बीच मौजूद हैं। कैसा अनुभव रहा आज का, हम आइए इनसे जानते हैं। मैडम, आज आप यहाँ इस संध्या पे आई क्रिसमस के, तो किस तरीके का अनुभव रहा आपका?
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सालों से हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, बट अभी वापस से सेलिब्रेशन में आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ आई हूँ और हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। नहीं तो आप एक खास सीरियल से ताल्लुक़ रखती हैं इस समय, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उसके साथ आपके साथ के कौन कौन से लोग यहाँ आए? मेरे साथ मेरे दोस्त आए, मैं बुलाना चाहूँगी अगर आप बोलेंगे तो। नेहल वाडोलिया आई है मेरे साथ जो कि एक एक्ट्रेस है, उसके बाद मोहित आए हैं, प्रियंका है, बहुत सारे लोग हैं, हम सब एक्ट्रेस हैं, और मेरी एक छोटी बहन है वो भी है, तो हम सब यहाँ पे जीसस की ब्लेसिंग्स लेने आए हैं और मदर मैरी की ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। एंड आई होप कि हमारा जो आने वाला साल है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। मैडम क्या दुआएं मांगी हैं आपने? दुआएं कभी बताई नहीं जाती इसलिए मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन हाँ मेरी दुआएं मेरी विशेष बहुत बड़ी है, तो यही बोलूंगी कि बहुत बड़ी मांगे, लेकिन भगवान के लिए कुछ बड़ा नहीं होता, तो वो जल्दी से पूरा कर देगा, उनके लिए सब छोटा है। तो ये राधिका छाबरा थी जो कि एक प्रचलित हीरोइन कही जा सकती है रिश्ता क्या कहलाता की, जिनका कहना है कि हम दुआएं तो नहीं बता सकते, लेकिन जो इस बार का क्रिसमस का त्यौहार ये अपने आप में अद्भुत नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा है, वहीं इनका यह कहना है कि आने वाला जो समय है वो लोगों के लिए अच्छा हो, ऐसा हमने एक दुआएँ मांगी। मैडम अंत में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से और हमारा सिटी चैनल की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, आने वाला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, थैंक यू। 2021 की बात करें तो कोरोना काल रहा जिस वजह से क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से नहीं मनाया जा सका, वहीं हम आपको बताना चाहेंगे यह इलाका सेंट माइकल चर्च माहिम का सेंट माइकल चर्च काफ़ी प्रचलित चर्च माना जाता है, वहीं आज 24 तारीख की संध्या में तमाम जो है दर्शनकर्ता कहा जा सकता है जो कि ईसा मसीह के दर्शन करते हुए दुआएं मांग रहे हैं, वहीं हम आपको बताना चाहेंगे ये माहिम का इलाका है, यहाँ अगर पुलिस की व्यवस्था कही जाए तो माहिम पुलिस स्टेशन के की जो पुलिस व्यवस्था है वो काबिले तारीफ़ कही जाएगी, क्योंकि शाम से ही ये पुलिस लगी हुई है हर व्यवस्था को देखने के लिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे यह नज़ारा सेंट माइकल्स चर्च के समीप का यह नज़ारा है, जहां प्रेयर करते हुए लोग दिखाई भी दे रहे हैं काफ़ी संख्या में, या माउंट मेरी चर्च की बात करें या सेंट माइकल्स चर्च की बात करें तो करीब लाखों की तादाद में लोग यहां हर साल आते हैं, हालांकि दो साल का जो अनुभव रहा उस बीच नहीं आ सके लोग कोरोना काल को लेते हुए, वहीं आज जो है 2022 की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी तादाद में लोग जो है क्रिसमस का आनंद उठा रहे हैं, यानी हर्षोल्लास से मुंबई में क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मैं मुकेश साई, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ हमारा सिटी न्यूज, ट्विटर पर फॉलो करें @ हमारा सिटी न्यूज़।